In the previous lecture, we have studied about the different types of extruders, the selection criteria of extruders, जिसमें हमने जो है वो dry extrusion के बारे में पढ़ा था और हमने single segmented या single screw wet extruders के बारे में पढ़ा था और हमने उनका जो है वो थोड़ा सा briefly हमने उसका जो है वो overview किया था दो lectures में. और आज का जो lecture है वो एक डिफरेंट टाइप है एक्सट्रूडर की, जिसको हम कहते हैं इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स या फिर एक्सपेंडर्स. सो द कंटेंट्स विल कैरी आउट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल एप्लीकेशंस ऑफ इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स are also called as expanders, developed and introduced in the United States of America firstly by the Anderson International Company as the Anderson Grain Expander in the later 1950s. तो जी इसको जो है वो हम expanders भी कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो heat की involvement होती है and the some extruders which provide heat to the material and causes it to expand, जो है वो उसको material को हमारे expand कर देता है और इसको जो है वो हमने expander जो है वो जो है इसलिए हम इसको expander कहते हैं. और दूसरा ये एक trademark भी है, कुछ manufacturers जो हैं वो जो extruders बनाते हैं इस type के, उन्होंने इसको expanders का नाम दिया. Like अगर आप auto जो है वो manufacturers को देखें तो वो automobile industry नाम use करते हैं, इसी तरह ये expanders का नाम एक trademark का नाम use करते हैं. So basically, it was designed to expand the products. Okay. Initially designed for processing pet foods and other cereal products. So, जी initially आप इसकी एक picture देख रहे हैं, जो है इसकी historical एक picture है, जिसके अंदर इसको pet foods के लिए या cereal products के लिए जो है वो design किया गया था. और later जो है वो इसको इसके अंदर काफी जो है amendments की गई. जो है वो इसकी 1990s में भी और बाद में भी इसकी काफी डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं. तो ये सिंगल स्क्रूज में भी हो सकता है, ट्विन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट इसे बनाना चाह रहे हैं. द प्रिंसिपल मैकेनिज्म और द वर्किंग ऑफ इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स. सो इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सपेंडर्स आर मैकेनिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्सट्रूडर्स बिकॉज इट वॉज डिवेल्प फ्रॉम अ सिंगल प्रेस. ये एक मैकेनिकली जो है वो डिफरेंट एक्सट्रूडर है बाकी जितने भी हमने अभी पिछले टाइप्स पढ़े हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक जिस तरह स्क्रू प्रेस का डिजाइन होता है, अगर आपने स्क्रू प्रेस के भी देखा हो किसी हमारे जो है वो लैब के अंदर, तो उस डिजाइन से जो है वो इसको डिवेलप किया गया पहले. स्क्रू प्रेसिस एंड इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स आर सिमिलर इन दैट अ रिवॉल्विंग इंटरप्टेड फ्लाइट पुशेस द मटेरियल थ्रू अ सिलेंड्रिकल बैरल and out through an opening at the barrel's end. जैसे आप ये नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म जो है वो तकरीबन सेम है जो स्क्रू प्रेस का या इंटरप्टेड फ्लाइट का भी, कि जो हमारा मटेरियल है वो एक स्क्रू की मदद से जो है वो हमारे उस बैरल में, जो सिलेंड्रिकल बैरल हमारा हमने पिछले भी लेक्चर्स में देखा था, उसके अंदर वो मूव करता है उसी मैकेनिज्म से जैसे एक स्क्रू प्रेस मूव करता है. क्या फर्क है इसमें? इसमें इंटरप्टेड फ्लाइट्स की जो है वो हमने एडिशन की है, या हमने ब्रेकर बार्स जो हम आगे देखेंगे वो इसमें इंस्टॉल किए होते हैं. एक्सपेंडर्स इंटरनल मैकेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ अ रैपिडली रोटेटिंग वॉर्म शाफ्ट. इसके अंदर जो है वो कंटीन्यूअस एक जो है वो जिस तरह वॉर्म की शक्ल होती है, हमने शाफ्ट के ऊपर उसकी इंस्टॉलेशंस की होती हैं जो कंटीन्यूअसली जो है वो मूव करती हैं और शियर प्रोवाइड करती हैं. Having individual worms with an interrupted flight positioned inside a smooth walled barrel. तो ये जैसे आपने पिक्चर में देखा, ये जो बैरल है इसके अंदर जो है वो इंटरप्टेड फ्लाइट की जो है वो हम उसके अंदर मदद लेते हैं, जो हमने उस स्मूथ वॉल्ड बैरल के साथ हमने अटैच किए होते हैं, जो हमने मुख्तलिफ जो है वो जिसको आप ब्रेकर बार्स कह सकते हैं, उस तरह के हम शीयर प्रोवाइड करने के लिए हमने इसमें इंस्टॉलेशन की होती है. इक्विप्ड विद अ रिमूवेबल स्टेशनरी पिन्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बैरल एंड इंटरमेशिंग विद द इंटरप्शंस ऑफ फ्लाइट. एक इसमें जो और आपने पॉइंट नोट करना है कि इसके अंदर हमने स्टेशनरी पिन्स जो हैं वो इंस्टॉल की होती हैं,
जो कि हमारे मटेरियल को नीडिंग या कि जो है वो गूंदने में जो है वो उसको फैसिलिटेट करती हैं। जब हम उसके अंदर स्टीम की या वाटर की एक्सटर्नल एडिशन करवाते हैं, द पर्पज ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ द रोटेटिंग वॉर्म्स विद स्टेशनरी पिन्स इज टू प्रोवाइड अ हाई शेयर टर्बुलेंट मिक्सिंग एक्शन विच नीड्स द सॉलिड फॉर्मुलेशन विद द इंजेक्टेड वाटर। तो बताया मैंने आपको कि इसका पर्पस जो है वो उसको मिक्स करना है, वो जो हमारी जो मटेरियल है और जो वो रोटेट हो रहा है हमारे उस स्क्रू के साथ, उसको जो है वो हमने जो एक्सटर्नल जो हमने हीट या हमने उसको स्टीम प्रोवाइड किया उसके साथ ये हाई शियर प्रोड्यूस करके उसको मिक्स करता है उसके साथ, विच नीड्स द सॉलिड फॉर्मुलेशन विद द इंजेक्टेड वाटर। जो वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो हमारा सॉलिड मटीरियल है उसको वो अच्छी तरह मिक्स करता है। एंड स्टीम टू प्रोवाइड अ रैपिड एंड यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेक्टेड मॉइस्चर इनटू ऑल ऑफ द सॉलिड मैटर। तो इसका जो है आपने माइंड में रखना है, जो हमने स्टेशनरी पिन्स लगाई हैं और जो हमने इसको जो वॉर्म शाफ्ट जो है जिसको हम इसमें इंटरप्टेड फ्लाइट्स देते हैं, तो इसका बेसिक काम जो है वो मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये स्टेशनरी पिन्स हैं, रिमूवेबल स्टेशनरी पिन्स जिसको हम इस तरह अटैच कर देते हैं हमारे स्क्रू के साथ। अगले हम कुछ स्लाइड्स में इसको डिटेल से भी आप एक वीडियो में देखेंगे कैसे जो है वो इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल फिगर ऑफ इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन। और जो है वो इसको ब्यूटीफुली उसने जो है वो लेबल किया हुआ है। सिंपल इसका टिपिकल वही मैकेनिज्म है जो एक टिपिकल एक्सट्रूडर का होता है। यहाँ फीडिंग सेक्शन है, यहाँ मीटरिंग सेक्शन, कंप्रेसिंग सेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ एंड के ऊपर जो है वो कुकिंग होगी, उसके बाद ये डाई है और एंड के ऊपर जो है वो उसकी कटिंग हो जाएगी। तो इसके अंदर जो फर्क है ये आप देखें, इंटरप्टेड वॉर्म फ्लाइट्स जी, तो इसके अंदर ये देखें आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो हमने यहाँ इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसको स्क्रू ये जो हमारे होते हैं ब्रेकर बार्स होते हैं, इनको हमने मुख्तलिफ जो है यहाँ इंटरप्टेड फ्लाइट्स देने के लिए इंस्टॉल किया गया। यहाँ से जो है वो वाटर इंजेक्ट हो रहा है या स्टीम जो है यहाँ से इंजेक्ट हो रही है, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटीरियल वी आर गोइंग टू एक्सट्रूड फ्रॉम दिस एक्सट्रूडर। तो बाकी इसमें वही फीडिंग सेक्शन वगैरह जो है आपको बताया, तो टिपिकल जो है वो इसका मैकेनिज्म जो पॉइंट माइंड में रखने का है इंटरप्टेड फ्लाइट एक्सट्रूडर या एंडरसन एक्सपेंडर या एक्सपेंडर्स में, वो जो हम इसके अंदर इंटरप्टेड वॉर्म फ्लाइट्स क्रिएट करते हैं और जो ये जो स्क्रू हमारे के जो शाफ्ट होते हैं इसकी मदद से, और ये जो स्टेशनरी पिन्स भी या हम आगे देखेंगे जाके वो भी यहाँ इंस्टॉल हुई होती हैं, और यहाँ से जो है वो वाटर और स्टीम की एडिशन होती है। प्रेशर जो है वो इसके अंदर जो है वो क्रिएट होता है, हाई शियर क्रिएट होता है जिससे हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंड हो जाता है। एज द स्टीम इज एब्जॉर्ब इट रिलीजेज इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच एलिवेट्स द टेम्परेचर ऑफ द इंग्रेडिएंट। तो इसके अंदर जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टीम की हमने यहाँ इंजेक्शन करवाया है, ठीक है। तो स्टीम की इंजेक्शन से जो है वो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इसमें पहले तो इसमें स्टीम एब्जॉर्ब होगी हमारे मटेरियल में और उसके बाद रिलीज होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल जो है वो स्टीम और हम वाटर की इसमें एडिशन करा रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रिक्शनल हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं जो ड्राई एक्सट्रूडर में होती है। तो मटेरियल का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है। फ्रिक्शनल हीट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय द रैपिड मोशन ऑफ द फ्लाइट्स फर्दर एलिवेटिंग द टेम्परेचर। फ्रिक्शनल हीट भी प्रोड्यूस होगी इंटरप्टेड फ्लाइट्स की मदद से, जिससे जो है वो हमारा फाइनल जो है इंग्रेडिएंट्स का जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। बाय द टाइम द मिक्सचर रीचेज द एंड ऑफ द लेंथ ऑफ द बैरल। इसके बाद जो है वो हमारा जो मटेरियल है वो एंड के ऊपर जो है वो मूव करेगा जहाँ जो है वो डाइज लगी हुई हैं, कुकिंग भी होगी और उसके बाद फाइनल जो है वो उसकी कटिंग होगी। इट इज थॉरली कुक्ड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर
टू 120 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ जो है वो एंड के ऊपर जो हमने देखा कि जब स्टीम की इंजेक्शन भी हो रही है और इसकी फ्रिक्शनल हीट भी प्रोड्यूस होगी तो कुकिंग जो है वो यहाँ परफॉर्म होगी और उसका टेम्परेचर 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है जो हम उसके अंदर जितनी भी हम उसमें डिफरेंट जो है वो काम ले रहे हैं। So now we will discuss about the applications. Full fat soybean जो है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक less shear action देखने को मिलता है as compared to dry extruders. तो इसके अंदर जो है अगर हमने सोयाबीन की या इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स को हमने इसमें प्रोसेस करना है तो हमें जो है वो उसको ग्राउंड करना पड़ेगा पहले। प्री कंडीशनिंग जो है वो इसके अंदर हमने नहीं देखने को हमें मिली, हमने इसमें प्री कंडीशनर भी नहीं लगाए हुए या एग्रीटेटर्स भी नहीं लगाए हुए, लेकिन हमें ग्राउंड करने का जो है वो इसमें जरूरत पड़ सकती है। ये इसमें एक प्रॉब्लम भी है जिसमें ग्राइंडिंग का जो है इशू आ सकता है। ऑयल सीड प्रिपरेशंस फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑयल सीड प्रिपरेशंस फॉर हार्ड प्रेसिंग टू 5-6% रेसिड्यूअल ऑयल इन मील। तो ऑयल सीड्स जो है वो प्रिपरेशन या उनकी प्रायर टू जो हम उनके फर्दर जो है कुछ एप्लीकेशंस करते हैं उसके लिए हम ये एक्सट्रूडर इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताया कि प्रायर टू देयर एक्सट्रूजन जो है वो हमें ग्राइंडिंग जो है वो करनी पड़ सकती है उस मटेरियल की। राइस ब्रैन स्टेबलाइजेशन, जो ये राइस ब्रैन की जो है वो हम इसमें स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें हमें वो IDF वगैरह जो है वो जो कई दफ़ा एक्सट्रैक्ट करते हैं बाद में, तो राइस ब्रैन की जो है वो एक उस एप्लीकेशन से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेट फूड्स और एक्वेटिक फीड में तो हमने शुरू में देखा कि उसी के लिए ही इसको इनिशियली डिज़ाइन किया गया था और अदर एनिमल्स की फीड के लिए भी। स्नैक फूड्स भी हैं इसमें हम बना सकते हैं। ड्राइंग ऑफ सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक पॉलीमर, ये डिफरेंट मटेरियल इंडस्ट्री जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो है ये यूज होता है। तो इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो इसके देखे हैं एप्लीकेशंस, लेकिन जो वेट एक्सट्रूजन थी उसकी हमने इससे ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस देखी थी। तो उस हिसाब से तो इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन टिपिकली जो है वो आपने याद रखना है कि ऑयल सीड की प्रिपरेशन जो है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो पेट फूड्स के लिए और कुछ जो है वो ये हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में। एडवांटेजेस इसके हैं जी, रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव जो है ये हमारे पास एक मशीन है एज़ कम्पेयर टू ड्राई और वेट एक्सट्रूजन। सिंपल मशीन, इजी टू ऑपरेट, ये जी इसका जो है वो एक तो इसके अंदर जो है वो लो जो है वो हमें मोटर जो है वो उसकी मतलब हॉर्स पावर एनर्जी लो रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसके अंदर जो उसकी शाफ्ट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होती है। तो इसका जो है वो मेंटेनेंस भी ऑटोमेटिकली जो है वो मिनिमम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटर्स, रग मशीन, रिप्लेसेबल वियर पार्ट्स। तो थोड़ा सा जो है ये हमें जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो इसकी एक तो रफनेस भी इसमें क्रिएट होती है, तो इसमें जो पार्ट्स हम इसके जो है वो ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। हमें उसमें अगर कोई हमें पिंस की जो है वो चेंज करना है हमें तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। प्रोड्यूस कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर लॉन्ग रनस, एप्लीकेबल टू डिफरेंट रॉ मटीरियल्स, रिक्वायर्ड लेस हॉर्स पावर। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें लेस जो है वो हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होता है। ये डिपेंड करता है आपकी डाई पर, अगर आपकी डाई की ओपनिंग ज्यादा है तो फिर हमें लेस जो है वो कम हॉर्स पावर हमें कंजप्शन देखने को मिलती है, लेकिन अगर छोटी डाइज हैं तो उसमें हमें प्रेशर भी ज्यादा चाहिए तो हाई शेयर चाहिए तो हाई हॉर्स पावर जो है वो हमें कंजप्शन जो है वो उसमें देखने को मिलती है। तो और जो है लेस वियर जो है वो उसके अंदर होता है एज कम्पेयर टू ड्राई। स्मॉलर इलेक्ट्रिक मोटर जो है बताया मैंने आपको वो इसमें इंस्टॉल होती है। डिसएडवांटेजेस के जो है वो हीटिंग इज लिमिटेड टू डेट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेकर बॉल्स एंड ब्रेक प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ डाई प्लेट। तो इसके अंदर जो है हीटिंग का जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो उस तरह हम एक्सटर्नल उसमें हीट नहीं जो है वो प्रोवाइड डायरेक्ट कर रहे, या फिर जो फ्रिक्शनल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हमारी जनरेट नहीं हो रही जैसे हमने ड्राई एक्सट्रूजन में देखा था। इसकी जो हीट है वो ब्रेकर बॉल्स, जो ब्रेकर बॉल्स हमने लगाए हुए हैं, जो डाई का बैक प्रेशर जो आता है उससे जो है वो हीट जो है वो क्रिएट होती है। लेस वर्सटाइल एज कम्पेयर टू अदर एक्सट्रूडर्स, प्रोसेसिंग कंडीशंस आर डिफरेंट टू कंट्रोल, डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्राइंड द सैंपल्स। ये मैंने आपको बताया कि खास तौर पे जो हमारे ऑयल सीड या सोयाबीन सॉरी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हमें जो है वो ग्राइंडिंग पहले से प्रायर टू एक्सट्रूशन हमें करनी पड़ेगी। और इसके और एक जो है वो मॉइस्चर का भी इसमें होता है कि जो लाइक द मॉइस्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टीम इंजेक्टेड। तो मॉइस्चर जो है वो जो खास तौर पे जो है वो हमारे जो हम
अमाउंट ऑफ स्टीम उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमें थ्रू आउट दिस एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है, और जो हमारी जो टेम्परेचर है हमें उसको भी जरा मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो स्टीम इंजेक्ट हो रही है उसका भी एक टेम्परेचर होगा, और जो हॉर्स पावर जो हम दे रहे हैं तो टेम्परेचर को भी हमें, अगर हमने कुकिंग कर रहे हैं तो उसको भी हमें इसके अंदर जो है वो प्रॉपरली जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है। पैलेट साइजेस आर लिमिटेड टू लार्जर डायमीटर्स। तो ये पैलेट साइजेस जो हैं वो जो हैं वो आपको बताया था मैंने इसमें डाइस का जो है एंड के ऊपर जब वो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आती है तो वो भी हमारे पास लिमिटेड हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हम मॉडिफिकेशंस नहीं उसमें कर सकते, तो लिमिटेड साइजेस के हमारे पास वो डायमीटर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ अ वीडियो which can explain you about the interrupted flight extrusion, how it is performed. एक cross sectional उसकी जो है वो image भी होगा इसमें. We will start. इसकी assembling हो रही है ना, इसकी ये जो barrel के अंदर की है वो अभी ये पूरा बैरल आ रहा है, और इसके अंदर जो है वो अब ये शाफ्ट देखें, शाफ्ट में जो है ये स्क्रू अटैच हुआ है और अब ये इसको क्लोज कर रहे हैं। तो इतना भी कुछ नहीं, उसने जो है वो सारा इसको असेंबलिंग इसकी दिखाई है। ये देखिए अब ये मिक्सिंग सेक्शन के अंदर जो है वो उसने फीड प्रोवाइड करना शुरू की, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये फीड जो है इसको स्क्रू के अंदर शाफ्ट और इंक्रीज कर देगा और इसका शीयर। ये देखेंगे जो मैंने आपको गैस रिलीज का बताया था, हम इसमें से वेंटिलेशन आउट भी कर सकते हैं, और यहाँ से सेकेंड इनटेक हुआ, मटेरियल दोबारा जो है वो हमारा, हमने उसकी एडिशन की, ये दोबारा से देखें इसमें इंटरप्शन, इंटरप्टेड फ्लाइट्स, हमने इसमें ब्रेकर बार्स की, ये देखेंगे अब इसको साथ स्टिक भी नहीं हो रहा है इसके, इस मटेरियल जो है स्क्रू के साथ, इतना ब्यूटीफुली जो है वो ये कॉन्टिन्यूस ब्रेक ऑपरेशन। यहाँ से रीगैसेस लगे होते हैं जो इसको एक्सटर्नल जो है वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ अब इसकी नीडिंग शुरू हो गई, यहाँ जो मैंने आपको पिंस के बारे में बताया था कि हम इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी पिंस लगाते हैं, ये देखिए स्टेशनरी पिंस हैं, फिक्स्ड पिंस हैं, ये फैसिलिटेट करेंगी वो जो हमने स्टीम एडिशन की लिक्विड किया उसकी मिक्सिंग को, और आगे इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे हमारे मटेरियल। ये सारा प्रोसेस है इस तरह जो है परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली जो है वो हमारी फीडिंग हो रही है, इंटरप्टेड फ्लाइट्स क्रिएट हो रही हैं, एडिशन कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच।